मेन चीज गाड़ी में लगी है कनेक्टेड टेल लाइट। ये जितनी ये फ्रॉन्स फेमस है ना उससे कई गुना ज्यादा ही कनेक्टेड टेल लाइट फेमस है। इसका अलॉय व्हील है जो टॉप मॉडल वाले आते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये अलॉय व्हील कोई से भी गाड़ी मतलब कोई से भी कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हेडलाइट का ऑप्शन होता है, पर हेडलाइट में चेंज करने से अच्छा है आप इसी में एलईडी डाल दो जैसे हमने डाला है। टॉप मॉडल वाले हेडलाइट से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका है। डेल्टा प्लस में भी ये हेडलाइट चेंज की है। डेल्टा प्लस में जो कम टॉप मॉडल वाली अल्फा वाली हेडलाइट आती है उसमें हमने ये हेडलाइट लगाई है। जैसे ही आप यहाँ से लॉक करेंगे वैसे ही लॉक हो गया सिंगल एक एनी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पे अनलॉक करेंगे अनलॉक हो गया। तो जी ये लगे हैं इस गाड़ी में कस्टमाइज सीट कवर, बहुत अल्टीमेट है भैया। और स्पेशली देखोगे कोई भी इंसान हर काम में अच्छा होगा पर सीट कवर में ऑटो यूनिक से हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कॉस्टिंग भी बता देता हूँ 12,500 रुपए विद प्रीमियम सोफा लेमिनेशन लाइफ टाइम वारंटी के साथ। यहाँ पे लगी है नई स्टाइल की आर्मरेस्ट। हाँ भैया ये अभी इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम लगा है और शायद इंडिया का फर्स्ट टाइम होगा। भैया को थोड़ा सा अलग चाहिए था बीएमडब्ल्यू आर्मरेस्ट चाहिए। यहाँ पे गाड़ी में स्टीयरिंग चेंज हुआ है जो कि प्रॉपर टॉप मॉडल वाला लगा गया जी भैया। तो जी राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सब की उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे भाइयों। आज हम आए हैं ऑटो यूनिक में करोल बाग में कृष्णा भैया के पास। तो यहाँ पे आई हुई है फ्रॉन्स जो कि बेस मॉडल है। अब ये गाड़ी आई हुई है मध्य प्रदेश से एमपी से। इसमें आपका बजट वाला काम हुआ है क्योंकि मेन काम इसमें किया जाएगा वो आपको दिखाने वाला हूँ। मेन बात ये गाड़ी में अलॉय व्हील लगे हैं। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो जी किशन भैया आ गए हमारे पास, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया जी शानदार। तो भैया हमारे पास गाड़ी आई हुई है एमपी से जो कि बेस मॉडल है सिग्मा मॉडल। बिल्कुल देख लो अभी नंबर भी नहीं आया गाड़ी का जी। तो भैया क्या क्या काम हुआ है इसमें? इसके अंदर जितना एक बेस टू टॉप वाला होता है वो सारा काम हुआ है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, अलॉय व्हील जो आते हैं आपको कंपनी जेन्युइन वो भी इसके अंदर लगे हुए देख लो। जेन्युइन टॉप मॉडल के अलॉय व्हील कुछ भी नहीं छूटा एज अ टॉप मॉडल पे। कुछ चीजें जो है वो भैया ने नॉर्मल क्वालिटी में लगाई है, 360 डिग्री नहीं लगाया है। वो ऑप्शन है 360 डिग्री का, वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, वो आपको दूसरी गाड़ी में देखने को मिलेगा। तो ये मतलब एक अल्टीमेट लेवल का सारा काम है। पीछे टेल लाइट से लेके हेडलाइट एलईडी वगैरह वो बिल्कुल टॉप लगाई है। और अंदर का जो इंटीरियर हुआ है ना एक नंबर का इस गाड़ी में इंटीरियर किया गया है। अब शुरुआत करें इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट से भैया क्या क्या काम हुआ है इसमें? सबसे पहले भी ऑप्शन होता है आपके पास पूरा ग्रिल चेंज कराने का, वो आपको दूसरी गाड़ी की दूसरी वीडियो में भी देखने को मिलेगा जो टॉप मॉडल वाली ग्रिल होती है। इसके बाद हेडलाइट का ऑप्शन होता है, पर हेडलाइट में चेंज करने से अच्छा है आप इसी में एलईडी डाल दो जैसे हमने डाला है। और इसका रिस्पॉन्स आपको थ्रो दिखाता हूँ कि कैसा थ्रो है। बहुत ही अच्छा थ्रो किया हुआ है क्योंकि 150 वॉट की 150 वॉट की एलईडी लगी है इसमें। 150 वॉट भी आपको बताया ऑलरेडी, मतलब नॉर्मल से ना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। 120 वॉट का भी ऑप्शन आ जाता है। हाँ 120 भी आता है, 90 भी आता है, 55 भी आता है, डिपेंड आपके ऊपर। ये देखो ये थ्रो है इसका, ये लो भी में हाई भी काफी बढ़िया थ्रो है, मतलब बहुत अच्छा थ्रो है। मैं अपनी गाड़ी में खुद लेके चल रहा हूँ ये। और अब जब मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे ना, एक तरफ मैंने हेडलाइट टॉप मॉडल वाली लगाई हुई है और एक तरफ इसी लाइट में यही सेम एलईडी डाली हुई है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है जी। दोनों का रिस्पॉन्स आप देखोगे ना दोनों में मतलब डबल, एक टॉप मॉडल वाली हेडलाइट से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका है। मतलब टॉप मॉडल वाली फेल है इसके आगे, फेल है इसके आगे। और इससे भी बड़ी बात हमने डेल्टा प्लस में भी ये हेडलाइट चेंज की है, उसमें एलईडी डाली। अच्छा डेल्टा प्लस में भी? डेल्टा प्लस में जो कम टॉप मॉडल वाली अल्फा वाली हेडलाइट आती है उसमें हमने ये हेडलाइट लगाई है और वो भी ये भी थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। और स्पेशली ना ये डिजाइन बनाया होता है इसी हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे साइड वेंट है, ये आपके जो इंडिकेटर होते हैं वो हट जाते हैं और सिर्फ यही है जो आपको बेस टू टॉप वाला एक फील देता है अच्छा। और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी हो गया, प्लस दिखने में भी अच्छा है। GFX कंपनी का, जिससे क्रोम भी कभी भी खराब नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन दोबारा अलॉय व्हील है जो टॉप मॉडल वाले आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये अलॉय व्हील कोई से भी गाड़ी मतलब कोई से भी कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे व्हाइट कलर ले लो आप या आपका नेक्सा ब्लू कलर है इसमें है, हर कलर में अलॉय व्हील की तरफ भी नेक्सा ब्लू कलर की उसमें भी हर कलर में है। और इसका स्टॉक भी मैंने दिखाया हुआ है सामने की तरफ, हमारा स्टॉक अभी भी 10 अलॉय का है, 10 अलॉय का। इसका साइड मिरर है जेन्युइन कंपनी और इसके इसमें भी आपको मैं एक्टिव होकर एक बार दिखा देता हूँ। ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल दोनों करेगा, ऑटो एडजस्ट दोनों ही है। जैसे ही आप यहाँ से लॉक करेंगे वैसे ही लॉक हो गया सिंगल एक एनी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पे अनलॉक करेंगे अनलॉक हो गया। और आवाज़ भी इसमें अगर आप चालू करना चाहें तो वो भी चालू, लॉक अनलॉक वाला वो भी हो जाएगा, पर मतलब ऑप्शन आपके पास है जैसा आप चाहो वैसा करा सकते। तो भैया ये बिल्कुल जेन्युइन नेक्सा का, जेन्युइन नेक्सा ये मारुति के पार्ट में आता है, ये नेक्सा में नहीं आता है। पर ये ओरिजिनल जो टॉप में लगा हुआ आता है सेम वही चीज़, सेम वही है।
जी। इसके बाद आपका रिम वाइजर है जेन्युइन कंपनी का, और इसमें जैसे आपको डिस्काउंट देते रहते 50% सेम एज इट इज़ आज भी है। जितने नेक्सा जेन्युइन पार्ट्स हैं, एसेसरीज हैं, सब में 50% है। और अगर फ्यूचर में भैया 2-4-6 महीने में बढ़ता है तो बढ़ा के भी देंगे। जो लोग रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं, रेगुलर हमारे से फॉलो कर रहे हैं, टच में हैं, उनको बढ़ा के भी देंगे। पर अभी 50 है, 2190 MRP आती है, लेस करके 1050 रुपये का आता है। हैंडल क्रोम है जेन्युइन कंपनी का, 1490 MRP आती है, 745 रुपये का। विंडो गार्निश है, ये कंपनी का ओरिजिनल नहीं आता, इसीलिए क्रोम भी नहीं है, ये लीक कंपनी का है, SS में स्टेनलेस स्टील है, जिससे कभी ये खराब ना। ये एसेसरीज में आती है, ये एसेसरीज में आता है, तो ये चीज़ इस कभी को जंग वंग तो नहीं लगता। नहीं भी है, इसकी गारंटी आती है। नीचे आप देखोगे साइड फिटिंग है जेन्युइन कंपनी की, वो भी क्रोम में है। ऑप्शन होता है आपके पास, जैसा आप चाहो वैसा करा सकते हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। डैम्पिंग हुई है, और डैम्पिंग इसमें अभी सिंगल एयर हुई है, मतलब डैम्पिंग से डोर बहुत अच्छे हैवी होते हैं, देख लो यहाँ पे देखना हुई है और यहाँ पे नहीं होता है, तो ये भी तो डैम्पिंग से थोड़ा हैवी सा बाहर की नॉइज नहीं आती आपको। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद पीछे चलते हैं और पीछे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। पीछे भी मतलब बहुत शानदार सारा काम है। पीछे का लुक देख लो, मेन चीज़ गाड़ी में लगी है कनेक्टेड टेल लाइट। ये जितनी ये फ्रॉन्स फेमस है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ही कनेक्टेड टेल लाइट फेमस है। इसका रीज़न क्या है कि ये पूरा लुक इसका चेंज कर देती है। जैसे अपनी यहाँ पे सोनेट खड़ी है, ये देखो आप सोनेट के अंदर से पीछे की लाइट आती है ना पूरा, हाँ, उसी तरीके से लुक आता है पूरा, और कनेक्टेड के साथ है, तो ये बहुत अच्छा। और आजकल हर गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लाइट्स आ रही हैं, आ रही है मैक्सिमम गाड़ियों में आ रही है, जैसे वेन्यू में आ चुकी है। और रीज़न क्या है कि लुक में ना गाड़ी को प्रीमियम ले जाता है। एक मीडियम सेगमेंट की गाड़ी है ये, ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है, मीडियम में एक प्रीमियम लुक देता है इसका, सिर्फ ये कनेक्टेड टेल लाइट की वजह से। और ये जेन्युइन नेक्सा का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्पेयर पार्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना डिग्गी का क्रोम है, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर है जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल है, और उस तरफ से देखोगे आप ये आपके नॉर्मल है, इंडिकेटर ऑन है, इस तरीके से आपका इंडिकेटर में ये वर्क करेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कैमरे की फिटमेंट एज इट इज 0-0, जैसे मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ प्रॉपर पूरा। ये आपका आगे पूरा क्लैरिटी भी दिखा दूंगा, टॉप मॉडल वाला और पूरा 0-0 फिटमेंट। OEM पार्सल ट्रे जो जेन्युइन कंपनी की आती है, इसके नीचे भैया के सारा सामान जो भर लिया देने, क्योंकि गाड़ी आई है बहुत दूर से, मध्य प्रदेश आई है। बाकी बूट लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे, लाइट भी है, हाँ ये रही आपका, ये देखो ये बूट लाइट भी है यहाँ पे जी। कि अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ जो इंटीरियर में काम हुआ है वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल भैया, तो जी ये लगे हैं इस गाड़ी में कस्टमाइज सीट कवर जी, देख लो कितना प्यारा लुक आया है, बहुत अल्टीमेट है भैया। और स्पेशली देखोगे ना, ये इनको थोड़ा हाइट ऊपर चाहिए थी, इसी वजह से जैसे मैं आपको हर गाड़ी में दिखाता हूँ, पूरी एक जो सिमेट्री बनती है ना वो सिमेट्री है। और मैं फिर कहता हूँ भैया, कोई भी इंसान हर काम में अच्छा होगा, पर सीट कवर में ऑटो यूनिक से हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नहीं है, देख लो आप, मतलब कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आंखों से मैं जो देख पा रहा हूँ, आप फिनिशिंग देखो एक बार प्रॉपर, एक 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 धागा, एक एक स्टिचिंग, एक एक कपड़ा, एक एक फिटिंग बहुत शानदार है। जब इसको आप ऐसे करके फील करोगे तब रियल फीलिंग इसकी नजर आएगी। और इस पे सबसे अच्छी बात, आपको पसीना नहीं आएगा गर्मी में, कभी भी नहीं आएगा। और गर्म नहीं होते ना भैया, 20+21 40mm की फोमिंग होती है, जो प्रीमियम सोफा लेमिनेशन के नाम से हमारे पास है। कॉस्टिंग भी बताया था, 12,500 रुपए विद प्रीमियम सोफा लेमिनेशन लाइफ टाइम वारंटी के साथ, मतलब जब तक गाड़ी चलाओगे तब तक जी। और ऐसा नहीं कि अगर आप दूर से हो, कोई दिक्कत आ गया, 10-5 साल बाद भी आप सीट कवर की फोटो वीडियो बना के भेज दो कि भैया ये दिक्कत आ रहा है, नया सीट कवर आपको सीधा जाएगा A to Z, वो सीट कवर आपका रिटर्न मांगा लेंगे, नया सीट कवर आप वहीं फिटिंग करा लो, कोई ऐसा नहीं कि इतनी दूर से आपको वापस आना पड़ेगा। वो सर्विस भी और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हो सकता है, अलग अलग स्टेट में भी होम सर्विस हम देख लो, ये अच्छी चीज रहेगी। वो तभी हो पाएगा जब आपका सपोर्ट होगा, सपोर्ट प्यार रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी कुशनिंग भी भैया ने दी गई है, और साथ साथ भैया ये क्या चीज है, ये भी आप देख लो, पिलो है ये, देख लो है, आराम से सोना चाहो बैठना चाहो, देख लो अगर बच्चा हो गाड़ी में या कोई भी हो, बहुत अच्छा रहेगा इसके, बहुत कंफर्टेबल है, सेम अपना इसके साथ बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे लगी है नई स्टाइल की आर्मरेस्ट, हाँ भैया ये अभी इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम लगा है, और शायद इंडिया का फर्स्ट टाइम होगा। भैया को थोड़ा सा अलग चाहिए था BMW आर्मरेस्ट, सही है, खुलता कैसे भैया, यहाँ पे बटन ऐसे दबेगा सिंपल ये खुल जाएगा, और ये हिलता तो नहीं, आप ये नहीं, ये आगे पीछे स्लाइडिंग होता है, ग्लास होल्डर है, पीछे 6 चार्जिंग पोर्ट होते हैं, आगे 3 चार्जिंग पोर्ट होते हैं यहाँ पे, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे 3 चार्जिंग पोर्ट है, और पीछे पीछे की तरफ भी होते हैं अपना यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये एक शैशे होता है, इसमें आप कुछ भी रखना चाहो, ये भी खुल जाता है अगर आप पीछे कुछ बैठ के पार्टी वार्टी करते हो, बहुत आराम से, मतलब बहुत शानदार फिटिंग। ये तो पहली बार देखा है, फिटिंग भी देखो ना, ऐसा नहीं मतलब प्रॉपर पूरा हिलता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप खराब रास्तों पे जाओगे तो हिलेगा, कुछ नहीं हिलता जी, ठीक है। बाकी यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी इस गाड़ी में आप इंटीरियर का टच दिया गया है, देख लो, और बहुत प्यारा में आपका देखोगे स्टिचिंग पूरा 0-0 है, सेम ऐसे ही डोर पे है जो चारों डोर पे दिया हुआ है, सेम मतलब प्रॉपर पूरा 0-0। यहाँ पे MA लाइट है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, एक एक कोना, एक एक चीज वो यहाँ पे है,
हैंडल लीवर है, ट्विटर शीशे है, जेबीएल के जो कंपोनेंट्स लगे हैं, पीछे को एक्सल लगा है, उसका पूरा एक सेटअप जो है वो आपको इसमें, मतलब जो काम हो सकता सारा काम किया सारा काम इसके अंदर हुआ है। बाकी तरफ देखो रूफ लाइट है वो भी व्हाइट एलईडी के साथ, तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एप्पल कारप्ले के साथ जो अपना सिस्टम है नेक्स्ट जनरेशन कंपनी का, यहाँ पे आप देखेंगे जेड लिंक जिसकी दो साल की वारंटी, दो साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, सिर्फ वारंटी नहीं भैया रिप्लेसमेंट है, आप कहीं से भी इसको सीधा चेंज करा सकते हो सीधा। अब बहुत जल्दी इसको अगर आप अपने स्टेट में अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहोगे आप एज अ अमेजन फ्लिपकार्ट या फिर वेबसाइट के थ्रू आप मंगा सकते हो ऑर्डर, देख लो। तो ये भी बहुत बढ़िया है, साथ साथ कैमरा भी इस गाड़ी में इंस्टॉल, कैमरे की फिटमेंट भी दिखा देता हूँ, फिटिंग दिखा देता हूँ, क्लैरिटी दिखा देता हूँ। ये देखो मेरी इसकी कैमरे की क्लैरिटी बहुत, मतलब अल्ट्रा एचडी रात को भी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल काम करता है, प्लस गाइडलाइंस के साथ आता है, गाइडलाइंस का रियर सेंसर जो वो पूरे वर्क कर रहे हैं, आवाज आ रही है बिल्कुल। इसके बाद इस सिस्टम की अगर बात करो भैया, इसके अंदर ना आपको डीएसपी मिल जाता है जिससे कि आप कहीं पे भी ना अपना साउंड को बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हो। देखो प्राइम वीडियोज है आपका, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, फोन लिंक है, इसके बाद जितनी एक एक एसेसरी होती है ना वो सब इसके अंदर है, आपका डीएसपी नॉर्मली कहीं नहीं है। देखो कॉल आ गया भैया का, नहीं किसी को कॉल मिलाया होगा, कॉल आया होगा, मैं यहाँ करूँगा, ये पिक हो गया कॉल पिक हो गया, अब यहाँ से यहीं से कट भी जाएगा, यहीं से अगर मैं काटना चाहूँ यहीं से कट जाएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल की वजह से सिर्फ ये देखोगे आप पूरा कंट्रोल जो पूरा चल रहा है पूरा प्रॉपरली वर्किंग है, ये ऐसा नहीं कि चालू कर दिया। अच्छा भैया क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में चालू, क्रूज का भी अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है, फ्यूचर में अगर आता है तो जरूर हम करके देंगे। बाकी ये मोस्ट अच्छी चीज़ है कि आप अपनी जहाँ बैठे हो वहीं से आप ये पूरा कंट्रोल पूरा सारी चीज कर पाओ, यहीं से चालू होगा। बाकी यहाँ पे गाड़ी में स्टीयरिंग चेंज हुआ है जो कि प्रॉपर टॉप मॉडल वाला लगा गया है जी भैया, उसके साथ साथ ही आप देखो इसके ऊपर ना पूरा ब्लैक है, पूरा ये पूरा पार्ट ब्लैक है, तो यहाँ पे भी स्टीयरिंग भी ब्लैक किया हुआ है और इसके नीचे पूरा टैन है, चाहे मैं डोर की बात करूँ चाहे मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो इसके नीचे पूरा टैन किया गया, मतलब तो नीचे नीचे यहाँ पे आपका टैन है ऊपर ब्लैक है जी, तो ये पूरा स्टीयरिंग में भी ऐसी किया हुआ है और इसको टाइट से पकड़ के ना ऐसे हिला दो कहीं नहीं हिलने वाला, तो ये एक OEM फिटमेंट होती है और कहीं पर भी यहाँ पे आपका एरर वेरर नहीं आ रहा इसके पूरा MID पर, देखो MID पे पूरा एज इट इज। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये अभी लाइट यहाँ की बंद है, पार्किंग अभी ऑफ है, पार्किंग ऑन करूंगा यहाँ की भी लाइट, यहाँ की भी लाइट जल गई और यहाँ भी जल गई, अगेन बंद करेंगे बंद हो गई और यहाँ पे ऑन करेंगे ऑन हो गई, तो पूरा एक एक चीज छोटी छोटी चीज जो है ना बारीकी से कनेक्ट कर रहा है, ये भी लगा है, ये भी आपको सिल्वर लगे हैं, गाड़ी वेंट चेंज हुआ है, इसका सिर्फ फ्रेम देख लो पूरा प्रॉपरली आपका फ्रेम है और ये भी पियानो ब्लैक किया है, पियानो ब्लैक है ठीक है। बाकी ऑटो डिमिंग का भी उसमें ऑप्शन आ जाएगा जी, आपका ये भी आ जाएगा अगर आप यहाँ पे लाइट लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लाइट लग जाएगा आपके, IRVM का ऑप्शन आपके पास। बाकी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा, USB पोर्ट है, जेन्युइन कंपनी का, जेन्युइन लगा है मारुति का, जेन्युइन जी, गियर नॉप हो गया ओरिजिनल कंपनी का। नीचे की तरफ फ्लोरिंग है जो अपनी पत्थर वाली फ्लोरिंग हम कहते हैं वो फ्लोरिंग है, इसके बाद इसके ऊपर मैट है लॉन्ग लाइफ मैट, ये फ्लोरिंग है अपनी और इसके ऊपर लॉन्ग लाइफ मैट है क्यूबो कंपनी का। इसमें ऑप्शन मतलब आपको कई मैट मिल जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, आपके क्या चाहिए आपको मैट में वो चाहिए, और मुझे तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीट कवर की ना, ये लगे मुझे ये सबसे बड़े तो मुझे ये लगा है, बहुत शानदार फिटिंग है। इसका रीज़न ये है कि भैया ने ऐसा कस्टमाइज आज फिर कराया है और पूरी गाड़ी ना आज मैं सच बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे सीट कवर, सिर्फ आज इस तरीके के सीट कवर चार गाड़ियों में लगे हैं, सेम इंटीरियर सेम सीट कवर, तो सबसे डिमांड इसी कलर की आ रही है। एक बार हमारा था जो आइस ग्रे कलर आ रही थी, अब ये कलर बिल्कुल हमारा टॉप पे चॉप चल रहा है, और आपको सोच लो एक ही डिजाइन के एक ही कॉम्बिनेशन के हम एक दिन में अगर चार रेडी हैं लगाने के लिए तो बाकी डिजाइन बाकी कॉम्बिनेशन में कितना रेडी होंगे, और जोन सा कलर का होगा वो कलर आपको कस्टमाइज कर देंगे, कस्टमाइज हो जाएगा ठीक है। बाकी यहाँ पे स्कॉफ प्लेट लगी है जी, जो कि भैया ये आफ्टर मार्केट आती है, ये आफ्टर मार्केट आती है, पर ये जो पूरा पेंट होता है ना उसको पूरा कवर करती है जिससे पेंट कभी खराब ना हो, और व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में एक्लेरिक की शीट के साथ ही आती है जिससे कभी भी ना जंग नहीं लगता, तो ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखने को। तो अब चलते हैं कस्टमर के पास, उनका ओपिनियन लेते हैं गाड़ी उन्हें कैसी लगी। बिल्कुल, तो फाइनली जो सारा काम का सारा हो चुका है, आपने स्पेशली इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो टॉप में आता है और इसमें नहीं हुआ है, दो तीन चीजें छोड़ के एक रियर वाइपर, एक आपका क्रूज कंट्रोल और एक सिर्फ हेड आउट डिस्प्ले, बाकी सब चीजें हो चुकी है। भैया से जानते हैं, भैया कहाँ से आए हैं? इटावा से आप आए हैं, और बाकी हमारे बारे में पता कैसे लगा? सुबह आप आ गए थे, रात को आप जा रहे हैं, आपके सामने आज कितनी गाड़ियाँ फ्रॉम पाँच छः गाड़ी आपके सामने भी हुई है, जिसमें अभी भी एक दो तीन इसी लाइन में लगी हुई है, चौथी आपकी और तीन चार गाड़ी जा भी। तो भैया जितना भी काम हुआ है कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। सबसे बढ़िया क्या लगा? सबसे बढ़िया सीट लगी आपकी, जो कवर सीट कवर आपकी रेड की हड्डी है, सबसे बढ़िया भैया को सीट कवर लगे हैं। और स्पेशली कितने किलोमीटर से आप ड्राइव करके आए हैं भैया? सर आया हूँ 350, 350 से 400 किलोमीटर, नहीं नहीं एक तरफ का 350 किलोमीटर। और जितना भी काम था भैया पहले से सोच के आए हुए, पहले से कॉन्टेक्ट करके देख के आए हुए, जिस वजह से सारा काम जो है
बिल्कुल टॉप से टॉप परफेक्टली हुआ है। बाकी भैया अभी अभी तक आपने न्यू सिस्टम में सुन लिया है, बाकी एक ही चीज़ आपने देख ली है, सारी चीज़ें जेन्युइन कंपनी की थी, ATZ साहब के सामने बॉक्स खुले हैं सारे और टॉप लगे हैं। तो भैया अगर आपकी वीडियो देख के कोई आना चाहे तो आप रिकमेंड करोगे? और कितना खर्चा आ गया भैया? मेरा तो सर आ गया 1,20,000। 1,00,000 सारा पूरा टॉप मॉडल। और क्वालिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक नंबर का काम हुआ है। सीट कवर मेरे पास 2500 से लेकर 12,500 रुपये तक है, उसमें कई ऑप्शन है, 4,000 भी है, 5500 भी है, 7500 भी है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। मतलब लिए भैया ने बिल्कुल टॉप वाले, वही सेम इसमें है और एक एक चीज़ बिल्कुल टॉप से टॉप है। एक बार भैया एड्रेस बता दो अगर किसी को आना है तो। एड्रेस भी अपना न्यू रोहतक रोड पे है, सेंट्रल दिल्ली में, करोल बाग से 1.5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। रीज़न क्या है, करोल बाग में कभी भी इतनी ज़्यादा गाड़ियों की जगह नहीं मिलती, ये रीज़न है कि यहाँ पे ओपन करने का, और अच्छे से आप बैठ के आराम से काम करा सकते हैं, काम हो सकता है आपका। सेकेंड चीज़ अपना एड्रेस है 59/35 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग सेंटर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लोकेशन का। थैंक यू सो मच। तो जी भाइयों ये था आज की हमारी वीडियो में, अगर आप एक फ्रॉन्क्स ले रहे हैं तो सिग्मा में क्या क्या काम करा सकते हैं, 1,20,000 रुपये के आसपास इस गाड़ी में खर्चा आया। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।